नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जो कि बनी हुई है गैजेट्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी का टाइम जाया किए। तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है बोया का MM1 यूनिवर्सल कार्डियोइड माइक्रोफोन, जो कि काफी बेहतरीन माइक्रोफोन है। दोस्तों अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हैं और आपका एक छोटा सा चैनल है और अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको ये माइक बहुत ही फायदेमंद लगेगा। दोस्तों इसका रेट कम से कम 1800 से लेके 2 या 2500 तक पहुंच सकता है। दोस्तों ये आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल मिल जाता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस माइक की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर और इसकी प्राइस रेंज जो भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें काफी फीचर्स है, ये कंपेटेबल है विद स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड DSLR कैमरास। दोस्तों ये लाइट वेट है, दोस्तों डायरेक्शनल माइक है, जिस डायरेक्शन में इसका फेस होता है उसी डायरेक्शन की आवाज रिकॉर्ड करता है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, और इसका जो ये फरी बाइंड शील्ड है वो काफी बेहतरीन क्वालिटी का है। और मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या आपका कोई छोटा यूट्यूब चैनल है तो आपको ये माइक जरूर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे खोल के देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों सबसे पहले खोलने पर इसका ब्रोशर आता है। दोस्तों इसके ब्रोशर में इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके यूजेस के बारे में लिखा जाता है। तो चलिए इसको साइड रख देते हैं एक तरफ और दोस्तों अब देखते हैं इस पाउच के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं बोया कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों पहले नंबर पर निकलता है ये माउंट, जो कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। दोस्तों काफ़ी यूज़फुल माउंट है और ये स्टक करके आप कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों वायर निकलती है जो कि DSLR के साथ यूज़ की जाती है। और दोस्तों तीसरे पर आती है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ यूज़ करने वाली वायर। तो दोस्तों चौथे नंबर पर आता है ये माइक, जो कि काफ़ी यूज़फुल माइक है। और दोस्तों ये अपने फेदर के साथ आता है। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं और इसका लुक देखते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों बोया का माइक। चलिए दोस्तों इसको अंदर वापस डाल दिया जाता है। अनबॉक्सिंग वाली वीडियो अभी तक तो देख ली होगी, लेकिन अब आपको मेरी आवाज़ में काफ़ी फर्क दिख रहा होगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अब मेरे फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है और आपको फर्क तो दिख रहा होगा। और अभी तक जो माइक्रोफोन मैं यूज़ कर रहा था वो बोया MM1 था, और अभी जो माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है वो मेरे OnePlus का है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस माइक्रोफोन की आवाज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है। अगला गैजेट आता है ये ट्राइपॉड, जो कि काफ़ी मजबूत क्वालिटी का है। अगर आप बोर हो गए हैं और अगर आप व्लॉग बना बना के बोर हो गए हैं खड़े खड़े ऐसे, तो आप इसे ऐसे ट्रायंगुलर भी रख सकते हैं और अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत है और इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेन और पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता। आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बना सकते हैं दोस्तों अपने व्लॉग। इसकी बात करें तो दोस्तों 700 रुपये से लेके 1200 तक इसका प्राइस जाता है। ये सब कंपनी वाइज डिपेंड करता है और इसकी बिल्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं अभी आपको इसको मोबाइल पे लगा के भी दिखा देता हूँ, ये काफी बेहतरीन क्वालिटी का है। ये मोबाइल पे भी लग चुका है। तो दोस्तों आप किसी भी एंगल से इसे शूट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे शूट करने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेन में कुछ नहीं होता दोस्तों, आप काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से भी शूट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा। और हाँ दोस्तों अगर आप ये ट्राइपॉड लगाना चाहते हैं तो आपको ये मोबाइल होल्डर भी खरीदना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा बहुत जगह होता है कि आपको ये ट्राइपॉड के साथ फ्री नहीं मिलता है, तो आपको ये स्पेशली खरीदना पड़ेगा। गैजेट की बात करते हैं इस रॉक लाइट की। दोस्तों ये काफी अच्छी लाइट है और ये काफी अच्छा टेबल लैंप है। दोस्तों इसमें 3 बटन है। पहला बटन यूज आता है इसकी अपर लाइट के लिए, जो कि इनमें 3 डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप पहली बार दबाते हैं तो लो लाइट चलती है, दूसरी बार दबाते हैं तो मीडियम, और तीसरी बार हाई फ्लेम हाई लाइट, और चौथी बार दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। और दूसरा बटन काम आता है इसकी नीचे वाली लाइट को जलाने में और बंद करने में। तो इसे रखते हैं साइड। आखिरी में आता है ये ट्राईपॉड 330A, जो काफी बेहतरीन ट्राईपॉड है। इसका बिल्ड स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि दोस्तों अगर आपका चैनल काफी अच्छा है और आप एक मजबूत चैनल बनाना चाहते हैं गुड गैजेट के साथ, तो ये आपको काफी प्रेफर करेगा दोस्तों। इसका वजन करीबन 730 ग्राम है और ये लगभग 4.5 फुट का है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक कैसा दिखता है, क्योंकि ये काफी अच्छी क्वालिटी का है और ये DSLR में भी यूज किया जा सकता है एक स्क्रू यूज करके। ये अभी जो ट्राइपॉड है ये मोबाइल पे मैंने फिट कर रखा है और इसी से अभी मेरी वीडियो शूट हो रही है। और अभी मैं आपको उसे दिखाता हूँ और आप ही बताइए दोस्तों कि ये ट्राइपॉड कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। और इसे आप एक्शन कैमरास और DSLR में भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो ट्राइपॉड जिसकी मैं बात कर रहा था 330A, जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, दोस्तों ये कितना लंबा हो जाता है दोस्तों, इसकी हाइट काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि 4.5 फुट तक ये हाइट गेन कर सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ नीचे से ही हाइट गेन कर सकता है,
ये देखिए दोस्तों, इसका ऊपर का लीवर भी है जिसकी वजह से इसका हेड भी हाइट इंक्रीज कर सकता है। अगर आप एक अच्छा YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको इन गैजेट्स की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। आप माउंट देख रहे हैं, ये मोबाइल होल्डर है, ये करीबन आपको 300 से 400 रुपए का ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एल्युमिनियम का ट्राइपॉड है, इसका बजट वेरी करता रहता है दोस्तों कंपनी टू कंपनी। ये 700 से लेके 1500 रुपए तक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, पर अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तब भी आपको इन्हीं कुछ ऐसे ही कुछ दामों में मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Tell me that you love me, even if it's fake.